Hey guys, welcome back to We Are Family Blog. तो अभी यू जस्ट नहा रहा है और मैं उसके सलवार में डाल रही थी नाड़ी, क्योंकि आज उसको पहनना है गरबे वाला ड्रेस। और देखो दुकान वाले ये भी नहीं करके देते, घर पे करना पड़ता है। पैसे पूरे लेते हैं पर काम कुछ नहीं करके देते, उसमें नाड़ी नहीं डाल के दी, वो अपने को डालनी पड़ती है। तो यू भी नहा रहा है, नहा के निकलेगा, फिर मैं उसको ड्रेस पहनाऊँगी और फिर गरबे वाले उसके कुछ फ़ोटोज़ पिक्चर्स लूँगी, फिर स्कूल छोड़ने जाऊँगी। तो आज गाइस मेरा मन नहीं है जिम जाने का, क्योंकि कल मेरी कोहनी में लग गई थी, तो मैंने दिखाया था आप लोगों को, तो इसलिए अभी मैं सीढ़ी चढ़ के आई हूँ ना, तो मैं हाँफ रही हूँ, इसलिए सांस मेरी वो हो रही है, फटाफट भाग करके आई हूँ। तो कोहनी के कारण आज थोड़ा मेरा मन नहीं कर रहा एक्सरसाइज करने का, तो इसलिए मैं आज नहीं जाऊँगी जिम, फटाफट योग को छोड़ के फिर घर आऊँगी। यहाँ पर पापा नहला रहे हैं योग को, मैं युवक को नहीं दिखा सकती, वो नंगू पंगू है। एक दिन पापा ने नहला दिया उसको, तब से पापा आप नहलाओ, मम्मा नहीं नहलाएगी, पापा आप नहलाओ, मैं बोले नहीं नहलाओ, तो बोले नहीं मम्मा से नहीं नहाऊंगा मैं, पापा आप नहलाओ, पापा नहलाते हैं। बच्चों को कितना अच्छा लगता है ना कि मतलब माँ दिन रात कुछ भी करे और पापा एक चीज़ कर देंगे ना, तो पापा ही इतने बड़े फ़ैन हो जाएंगे, मतलब पापा के फ़ैन हो जाएंगे। ऐसे ही होता है बच्चों का, मतलब पापा मारते पीटते सब रहते थे मेरे पापा, पर फिर भी अगर वो ज़रा सा कुछ प्यार से वो बोल देते थे ना, तो और माँ कितना भी कुछ भी कर ले तब भी अपन इतना भाव नहीं देते। ये बच्चों क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो? तो सच में कुछ भी खाता रहता है। क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो? गंदे बच्चे एक गंदे बच्चे तो आज जीवन बनने वाला है डोली रा डोली डे डग डी डू 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 डू। वाव मेरा बच्चो, वाव कितना अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत अच्छा बेटा। रुको रुको, हाँ यू को अभी से वो लगने लग गया झोला बाबा टाइप का दिक्कत। यू को तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है बेटा, अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा है ये। और ऊपर कर दो बाबा मेरे हिसाब से। वो एरोप्लेन के पीछे ही पड़ा हुआ है, खड़े हो। एरोप्लेन में यूवी को घूमी भी जाना है, बहुत जल्द यूवी घूमी जाने वाला है एरोप्लेन में, है ना बेटा? हाँ। कहाँ जाना है बेटा? जाओगे कहाँ? जाओगे घूमने, कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ जाओगे बेटा? क्या एरोप्लेन से स्कूल जाएगा? एरोप्लेन से भी स्कूल ही जाना है बेटा, और कहीं घुमाने ले जाते नहीं हम आपको स्कूल जाएगा बोल रहा है एरोप्लेन से। तो ये है यूविन का पूरा आउटफिट, ये भी दिखाओ तो बेटा सामने से। हाँ बहुत सुंदर, वाओ ये तो पीछे से भी सुंदर है। ये भी घर में खेलने मम्मा चूज करके लाई है यूविन के लिए। सुबह जब हम उठते हैं तो सब ऐसा अस्त व्यस्त रहता है, ये 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 सब अस्त व्यस्त रहता है। फिर युविन जैसे ही स्कूल जाता है फटाफट 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 पूरे घर में सब लग जाते हैं सही करने के लिए। वाओ युवी, वाओ वाओ, ओ वाओ, ये डोलीड़ा जंप करेगा अभी, डोलीड़ा जंप, यस डोलीड़ा जंप है इसमें। अच्छा दो मैं खोल देता हूँ। आप कहाँ जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो? घर में खेलोगे ना, जब घर में खेलोगे, जब खेल के आओ पीछे पीछे खेलो खेलो। हाँ ये खेलो। क्या हो गया बेटा? कुन्नी हुआ, कुन्नी स्केच पेन गिर गए सारे, कुन्नी हुआ। लाओ मैं रख दूँ इसमें, मैं रख देता हूँ। हाँ रख दो, चलो रखना पड़ेगा अंदर अभी के अभी, युविन का बहुत अर्जेंट काम रहता है जो भी रहता है। चलो पहले गरबे कर लें फिर उसके बाद, चलो पहले कर लें। वाओ युवी गरबा कर रहा है, उसको बाद में लेना, पहले गरबे कर लेते हैं। तो आज बनाने वाली हूँ मैं कढ़ी और चावल रोटी, खाना चाहिए। कढ़ी इज माय फेवरेट, तुम्हारे हाथ की बनाई है। अच्छा
तो फटाफट जाती हूँ मैं, कड़ी पत्ता चुरा के लाती हूँ। तो आज मैंने शकरकंद बॉईल किए और यहाँ पे मैं ये करने जा रही हूँ कड़ी बनाने, जिसका मैंने कूट लिया है लहसुन और मिर्ची। और चीनू आ गए हैं, खा रहे हैं। कौन कैसा लगा चीनू? कौन फेवरेट? तो शेक अभी बना दोगे थोड़ी देर से? टाइम लगेगा। ठीक है, तो फटाफट काम कर लेती हूँ मैं सारे। फिर भी खुला है। तो रिया और मैं जा रहे हैं शोरूम, शोरूम से हम लेंगे चीनू को, फिर जाएंगे यूवी को लेने स्कूल। तो रिया को इसलिए लेकर जा रही हूँ क्योंकि रिया को लेनी थी मूर्ति, तो वो पसंद करेगी शोरूम पे। गेट खोल करके फिर से लगा तो बंद नहीं हुआ, गेट भारी है ना, उठा नहीं पा रही गेट, उठा दिया ना। तो हम जा रहे हैं यूविन को लेने, इनको गाड़ी चलानी आ नहीं रही है। अच्छा, बैठ गए हैं ड्राइविंग सीट पे। गाड़ी चलाना। हाँ, यूविन के लिए हम एक छोटा मंकी भी लेके जा रहे हैं। थोड़ी और इंग्लिश बोलना तो जरा, जितनी तुझे आती। हाँ जरा बोल के, तो आती ही नहीं, थोड़ा बहुत आ जाती। तो बोलो तो सही, उससे तब तो आंसर करेगी। वेयर आर यू गोइंग? कोशिश तो कर समझने की भैया क्या बोल रहे हैं। हाँ, where are you going? कहाँ जा रही है? हम ये पेन को लेने जा रहे हैं। नहीं, इंग्लिश में बोल। इंग्लिश में कैसे बोल? I am going to bring you in. To bring you in. हाँ, आगे इंग्लिश। अब बाबा बोलेगी। How are you, बाबा? I'm good. I'm fine. Thank you. Thank you. Most welcome. बाबा हमारी सबसे बड़ी अंग्रेज है। आहा। ये देखो ना, हाईलाइट सारे अंग्रेजों वाले ही कराती है। आहा, आहा, आहा। इस बार तुम्हारे हाईलाइट पर अच्छा मुझे मजा आया, शानदार। दसियों बार तो तारीफ कर दी। हाँ यार, ये तो है कि तुमने इस बार भर भर के तारीफ करी। तो यूवी लेने आया है फिश यहाँ पर। दीदी, यूवी, मम्मा, पापा कार में ही बैठे हुए हैं, आ ही नहीं रहे अंदर। फटाफट हम फिश ले लेते हैं। इतनी प्यारी प्यारी फिश है, यूवी को फिश से इतना प्यार है कि क्या ही पूछो। बहुत अच्छा लगता है उसको फिश से। ले लो बेटे, क्या कौन सी फिश चाहिए आपको? कौन सी वाली फिश चाहिए? चलो चलो, कितना पगलू हो रहा है एकदम से फिश देखकर। उसको इतना अच्छा लगता है फिश, उसको बहुत अच्छा लगा। ओ रैबिट, आ रैबिट, टच करो यूवी। यूवी को बिल्कुल डर नहीं लगता, बिल्कुल मेरे पे गया इस मामले में। पापा होते तो अभी दो हाथ दूर कदम कूद जाते हैं। हाँ, स्मेल आती है ना यहाँ पे, सारे वो रहते हैं। ये ले लो ना, नहीं रैबिट नहीं लेना है। फिश ले ली यूवेन ने। ये आपको अच्छी लगी? दीदी पकड़ो उसको, गिराना नहीं दीदी। ओके, क्यों बिट्टू, आपको फिश अच्छी लगी? फिश अच्छी लगी। अरे ले, यू को बहुत मजा आता है फिश देख देख करके, रोता है वो। कार्टून भी वो फिश वाले देखता है और बहुत जिद करता है, उसको देखनी होती है फिश, है ना बिट्टू? चिनू, आज अपन तीनों ने मैचिंग मैचिंग पहना हुआ है, क्या बात है? क्या कौन सी डांस? पापा उसके मीन वैसी के ना, क्या तुम है? हां भैया, नहीं चंजू, आपने मैचिंग फिर नहीं खेलते। अच्छा, ले ले, कितना खुश हो जाता है। मजा आया बेटा लेके? मम्मा को थैंक यू बोला आपने? थैंक यू मम्मा। वेलकम मेरा बच्चा, वेलकम मेरी बेबी। कैमरा नहीं पकड़ना, ओके? रास्ते भर से बोल के आया, जिया को दिखाऊंगा, जिया को फिश दिखाना। बोले मैं टू लेकर आया हूँ, टू फिश।
आगे पगे करो तो छोड़ दूंगी मैं। ये इधर है बेटा, यहाँ यहाँ रखी हुई है। हम इसको जा करके ना बॉल में डाल देंगे, घर पे बॉल में डालेंगे ना, तो फिर वो अच्छे से तैरेगी। अभी देखो कैसी हो रही है ना, जाना ही नहीं। उसको कितना वो है, ऊपर चढ़ेगा देखेगा उसकी फिश। हाँ तो रिया ने ये वाले राधा कृष्णा पसंद किए हैं, ये 6 इंच के होंगे ना, 12 इंच है ये। क्यों रे तू 12 इंच का कर लेगी सेवा, इतने से ही तो दिख रहा है। कितने से? जरा से दिख रहे हैं, छोटे से दिख रहे हैं। तो ये साइज है मेरे कृष्णा का, साइज इनसे भी बड़ा है। आपको ऊपर वाले, ये ऊपर वाले हाँ मेरे कृष्णा। तो खेल रहे ना विद्यु, इनके नेम रखो। कार उसके अंदर नहीं डालना। सुनो भैया क्या नाम है इनका, इनका नाम रखते हैं ना कुछ, क्या नाम रखे? इतना पसंद है मेरे बच्चा को फिश, क्या नाम रखेंगे? क्या नेम रखेंगे? फिश तो उनको बोलते हैं, उसके बाद नेम होता है ना। आप इसका प्यार से क्या बोलोगे? युवक उसको कुछ नहीं करना, अच्छा खुद पिएगा वो। पी लिया आपने? यूवेन के टू टू फिशेस हैं, वो खा रही है। ये देखो ये वाली मोटी है ना दीदी, हाँ हेल्दी है वो, और ये वाली सिंपल छोटी छोटी लाती दीदी। हाँ बहुत सारी आ जाती है ना, अच्छी फ्रेंड होने देती चार पाँच। तो हम लोग जा रहे हैं अभी चीनू और मैं पार्सल छोड़ने के लिए, तो ये वो भी जा रहा है हमारे साथ में, तो हम तीनों ही पार्सल छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि पार्सल बहुत ही वजन है पार्सल में, तो चीनू से अकेले नहीं उठता, इसलिए यू और मैं जा रहे हैं पार्सल को उठाने। ये दोनों तो बहुत बड़े हैं वो। हम बहुत शक्तिशाली लोग हैं, शक्तिशाली। मैं जिम जाती हूँ और यू घर में कुदकता रहता दिन भर। तो हम लोग निकल गए हैं घर से, मैं घर आ गई थी युवू के उठने के पहले, उसके बाद डिनर बना दिया मैंने, मैंने और चिनू ने खा भी लिया, और अब युवू को थोड़ा सा घूमी करने जाना है, तो युवू को लेकर के जा रहे हैं हम मार्केट। कहाँ जाना है बेटा आपको? मार्केट। ये घुमक्कड़ है क्योंकि जब ये पेट में था तब से ही उसको आदत लगी हुई है घूमने की, क्योंकि मेरे पैर घर में कभी टिकते नहीं थे, मैं हर थोड़ी देर में भागती थी। मतलब मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में इंदौर महू जितना किया है ना ट्रैवल, कोई नहीं कर सकता इतना। और मैं अपने आखिरी टाइम पे भी, मतलब डिलीवरी के 2-3 दिन भी रह गए थे, मैंने 2-3 दिन नहीं, डिलीवरी के 1 दिन पहले मैं एक्टिवा लेकर के मार्केट घूम रही थी, सोचो अकेले। तो ऐसा भी हुआ है मेरे साथ, तो यू वो घुमक्कड़ है। मेरे जैसा बिल्कुल, जब तक हम घूमे फिरे नहीं हमको अच्छा नहीं लगता है ना बिट्टू, है ना बिट्टू? सोतला भी है, घुमक्कड़ हो ना आप। हाँ ना